नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारी सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे क्यों भगवान श्री कृष्ण ने राधा के संग विवाह नहीं किया, जबकि हमारे पुराणों में राधा कृष्ण की आत्मा तो रुक्मिणी कृष्ण की देह माना जाता है। अगर राधा और रुक्मिणी दोनों ही महालक्ष्मी का अवतार थी, फिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से ही विवाह क्यों किया? दर्शकों, भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए श्री हरि बार बार पृथ्वी पर अवतरित होते रहे हैं, इसलिए देवी लक्ष्मी के मन में भी ये विचार आया कि वो भी श्री हरि की तरह पृथ्वी पर अवतार लें और उनके धर्म के कार्यों में उनकी सहयोगिनी बने। द्वापर में रुक्मिणी जी ने पृथ्वी लोक पर विदर्भ देश के राजा भीष्म के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। विदर्भ नरेश भगवान श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु मानते थे, लेकिन उनकी पुत्री रुक्मिणी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने जबरदस्ती उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहा। तब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को अति शीघ्र ही एक पत्र लिखकर बताया कि मैंने आपको अपना पति मान चुकी हूँ और मेरे घर वाले मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं। यदि आप विवाह की निश्चित तारीख से पहले मुझे यहाँ ले जाने में असमर्थ रहे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। संदेश वाहक जब यह पत्र भगवान श्री कृष्ण को देता है तो भगवान श्री कृष्ण निश्चित तिथि पर योजना के अनुसार वहीं पहुंच जाते हैं और निश्चित समय पर वहां पहुंचकर रुक्मिणी का अपहरण कर उन्हें आत्महत्या करने से बचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री हरि का अवतार थे, उनका नाम दिव्य था, उनका जन्म भी दिव्य था, वे मानवता का संसार में दिव्य उदाहरण थे। फिर भी ऐसे दिव्य पुरुष पर संशय करना अपराध के ही तुल्य है। उन्होंने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर विश्व का कल्याण किया। अब प्रश्न इस बात का है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? दर्शकों, श्री धामा का श्राप और अयान के पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण राधा को अयान से विवाह करना पड़ा, अर्थात श्री कृष्ण और राधा का विवाह न होना नियत का ही खेल था। परंतु हर जन्म में श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त करने का अपना प्रण भी अधूरा नहीं छोड़ सकती, इसलिए उन्हीं महालक्ष्मी ने रुक्मिणी के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण का वरण कर अपना प्रण पूर्ण किया और अपने धर्म के कार्यों में उनकी सहयोगिनी बनी। परंतु यद गीता गर्ग संहिता और बृहत पुराण के अनुसार माने तो सबसे पहले राधा रानी ने ही भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह किया था और वह उनकी पहली पत्नी बनी। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने बचपन में उनका विवाह कराया था। ऐसा भी माना जाता है कि राधा ने स्वयं ही श्री कृष्ण से विवाह करने से इनकार किया था, क्योंकि राधा एक ग्वालिनी थी और श्री कृष्ण कंस का वध करते ही राजकुमार बन गए थे और प्रजा के लोग किसी राजकुमारी को ही श्री कृष्ण की संगिनी के रूप में देखना चाहते थे। कुछ मतानुसार राधा कृष्ण की प्रेम कहानी कलयुग के द्वारा लिखे गए पुराणों से प्रेरित है। ये लोग अपने अपने मतों के अनुसार पंथों की रचना कर डाली। ऐसा कोई मूल प्रमाण हमें किसी ग्रंथ में नहीं मिलता, इसलिए हमारे भौतिक ग्रंथों में राधा और रुक्मिणी को एक ही बताया गया है, इसलिए रुक्मिणी राधा दोनों ही लक्ष्मी का अवतार थी हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो।